अगर आप पूछेंगे कि भारत में महिलाओं के अधिकारों की बात करना किसने शुरू की, तो मैं कहूंगी रमाबाई रानड़े। रमाबाई के लिए विमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़े मुद्दों में से एक था। रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सांगली में हुआ था। मात्र 11 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई, लेकिन उनके पति महादेव गोविंद रानड़े एक सोशल रिफॉर्मर थे और इसीलिए उन्होंने रमाबाई की एजुकेशन और ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया। वे रमाबाई को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वे उनको हर दिन पढ़ाया करते थे। महादेव गोविंद रानड़े अपनी पत्नी रमाबाई के साथ करंट अफेयर्स तक का डिस्कशन किया करते थे। महादेव गोविंद रानड़े से जितना कुछ सीखा था रमाबाई रानड़े ने, उनको ये समझ आ गया था कि महिलाओं की पढ़ाई और सशक्तिकरण सबसे जरूरी है। इसी के साथ रमाबाई को ये भी पता था कि महिलाओं का मत बहुत जरूरी है और इसीलिए उन्होंने महिलाओं को मताधिकार दिलवाने के लिए भी आंदोलन की। रमाबाई का बाल विवाह हुआ था, पर बाल विवाह के खिलाफ खड़ी थी रमाबाई। केन्या और फिजी में जितने भी भारतीय मजदूर थे, उनके अधिकारों के लिए भी खड़ी हुई रमाबाई। रमाबाई ने सेवा सदन नाम की संस्थान की भी नींव रखी है। रमाबाई ने एक किताब लिखी जिसका नाम था आमचा आयुष्यातील काही आठवणी। इस किताब में उन्होंने अपनी जीवन की सारी घटनाओं के बारे में लिखा है। यह किताब मराठी में थी और इसीलिए इसका एक इंग्लिश वर्जन भी निकला जिसका नाम है हिमसेल्फ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ हिंदू लेडी। रमाबाई की मृत्यु उनके 62वें जन्मदिन पर ही हुई। उनकी मृत्यु को महात्मा गांधी ने देश का नुकसान कहा। आज हमारे देश की महिलाओं के पास जितने अधिकार हैं, उन सब की देन है रमाबाई।